सौंफ, यहाँ मैंने आधा कप सौंफ को रखा हुआ है, यहाँ मैंने इसे धूप में सुखा करके ले लिया हुआ है ताकि जब हम इसके लिए प्रीमिक्स बनाए तो इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं हो, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो जो हम प्रीमिक्स इसके लिए बना करके रखेंगे वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। तो आप इसे तवा पे बिल्कुल भी ना सुखाएं, इसे धूप में थोड़ा देर के लिए रख दें ताकि ये मॉइस्चर फ्री हो जाए। साथ में मैंने यहाँ लिया हुआ है 1.5 कप चीनी, यहाँ मैंने लिया हुआ है 12 हरी वाली इलायची और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने लिया हुआ है काली मिर्च, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स, आप इसके साथ इसमें पॉपी सीड यानी कि खसखस भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। सौंफ के बहुत सारे फायदे होते हैं, ये बॉडी को बहुत ही हाइड्रेट करता है और ये हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, आंखों के लिए भी अच्छा होता है, साथ में इससे पाचन शक्ति भी है जो बहुत ही अच्छी रहती है। तो दोस्तों ये तो इसके बेनिफिट्स भी हो गए, चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए प्रीमिक्स बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने यहाँ पे रखे हैं इन सबको ग्राइंडिंग जार में डाल करके और इसे हमें पीस लेना है। तो चलिए इसे हम पीस करके ले लेते हैं। यहाँ मैंने ग्राइंडिंग जार में चीनी ऐड कर दी, इसमें ऐड कर देंगे ये सौंफ, साथ में ऐड कर देंगे काली मिर्च और ये हरी इलायची। अब हम इन सबको ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेते हैं। अब हम इसे छान लेंगे इस तरह से पाउडर को। अब बारीक वाले छन्नी से इसे इस तरह से निकाल लें, छान लें। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, बहुत ही जल्दी बन जाती है। आपके घर में कोई भी गेस्ट आए और गर्मी का दिन है तो आप उन्हें अगर शरबत बना करके देना चाहते हैं तो जस्ट ये प्रीमिक्स ऐड करें और ठंडे पानी के साथ और बर्फ के साथ और सर्व करें। शरबत बनाने में कोई झंझट नहीं है अगर आप इस तरह से इसका प्रीमिक्स बना करके रख लेंगे। अब इसे हम वापस से एक बार और इसे ग्राइंड कर लेंगे, एक बार और इसे हम चाल लेंगे। और हमें इसे एक बार और ग्राइंड कर लेना है। इसे ग्राइंड करके हम इसके पाउडर को निकाल लेंगे और ये हमारा यहाँ पे प्रीमिक्स सौंफ का जो हमारा प्रीमिक्स है बन करके तैयार हो गया है। इसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस पाउडर को रखने के लिए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हमने इसमें चीनी ऐड किया है जो कि बहुत ही जल्दी मॉइस्चर पकड़ने लगता है। तो आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखें जो कि मॉइस्चर फ्री हो, वो अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए वो बॉटल। तो आप उसमें इस प्रीमिक्स को ऐड करके रखें या फिर तब आपको फ्रिज में इसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब आइए इसे ड्रिंक बनाते हैं, इसे शरबत बनाते हैं। यहाँ मैं लिया हुआ है एक ग्लास, इसमें ऐड कर देंगे आइस क्यूब। आइस क्यूब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं और आप इसे पानी या दूध में भी बना सकते हैं, आप इसे दोनों में बना सकते हैं इसे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच जो हमारे ये प्रीमिक्स बनकर के तैयार हुआ है। यहाँ मैंने इसमें 2 चम्मच प्रीमिक्स ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी इसमें हम ऐड करेंगे और आप देख सकते हैं दोस्तों सौंफ का अपना कलर होता है तो कितना प्यारा कलर आया हुआ है। और ये हमारा टेस्टी, और ये लीजिए दोस्तों हमारा टेस्टी इजी हमारा ये सौंफ का शरबत बनकर के तैयार है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस आप इसी तरह से आप इसे दूध में भी बना सकते हैं। बस 2 चम्मच को ऐड करें और ठंडे ठंडे दूध में और इसे इस तरह से सर्व करें। तो दोस्तों लीजिए हमारा ये ड्रिंक कुछ ही देर में बनकर के तैयार है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आया है सौंफ होने की वजह से। ये हमारा प्रीमिक्स है और ये हमारा शरबत बनकर के तैयार है, इंस्टेंट हमारा सौंफ का शरबत बनकर के तैयार हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कोकम शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए कोकम। यहाँ पर मैंने कोकम लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने 1 कप कोकम में 1 कप गुनगुना पानी डाल करके और इसे 3 घंटे के लिए भिगो करके रखा था। ये अच्छे से फूल चुका है, आप देख सकते हैं ये कोकम। यहाँ मैंने लिया हुआ है चीनी 2 कप। जब हम शरबत बनाने की बात कर रहे हैं और ऊपर से मैं कंसनट्रेटेड शरबत बनाना बता रही हूँ आपको, तो एक बात का आप ध्यान रखें कि आपने जितना कोकम लिया हुआ है उसका दुगना हम शुगर इसमें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप कोकम लिया है तो यहाँ पर मैं 2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ।
एक छोटा चम्मच हम लेंगे भुना हुआ जीरा, आधे छोटे चम्मच चाहिए हमें क्रश की हुई काली मिर्च, आधे छोटे चम्मच हम लेंगे काला नमक, यहाँ मैंने लिया हुआ है कुछ आइस क्यूब्स। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस भिगोए हुए कोकम को ग्राइंड कर लेंगे। जिस पानी में हमने इसे भिगो करके रखा है उसी में ग्राइंड करके ले लेंगे। और यहाँ मैंने कोकम को ग्राइंड करके ले लिया हुआ है। अब हम इसे एक सॉस पैन में ऐड करेंगे, साथ में इसमें ऐड कर देंगे चीनी। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अब हम गैस की तरफ, और इसे अब हम गैस पर चढ़ा देंगे। और अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है, जब तक कि ये थिक ना हो जाए, और हम इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। जब इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगेगी उस समय हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर और काला नमक, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे कोकम अच्छा से गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे अब हम छान लेंगे। एक स्पून की हेल्प से अच्छे से हम इसके सारे जूसेस को निकाल लेंगे। उसके बाद जब इसके जूसेस अच्छे से निकल जाएंगे तो अब हमें इसे ठंडा होने देना है। तो इसे ठंडा कर लेते हैं, तब हम शरबत बनाएंगे। कोकम सिरप यहाँ पे ठंडा हो चुका है, अब हम इससे कोकम का शरबत बना लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे हम एक सर्विंग ग्लास, यहाँ मैंने एक सर्विंग ग्लास लिया हुआ है। इसमें ऐड कर देंगे हम आइस क्यूब्स, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आइस क्यूब्स की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। बर्फ ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच कोकम सिरप। कोकम सिरप ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी। ठंडा पानी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ये हमारा ठंडा ठंडा कोकम शरबत बनकर के तैयार है। जब कोकम सिरप अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं, और आप इसे 15 से 20 दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं, ये उतना ही फ्रेश रहता है। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी शरबत बनाने के लिए आप इस सिरप का यूज़ करना हो तो आप हमेशा स्पून का यूज़ करें, आप इसे डायरेक्ट ऐड ना करें, और इसे एयर टाइट कंटेनर में ही रखें ताकि ये फ्रेश रहे और अच्छे से रहे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी। त्योहार का सीजन चल रहा है और ऐसे में हम हैवी खाना खा लेते हैं, जैसे पूरी, मिठाई, कचौड़ी, और खाने के बाद हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे पेट में दर्द होना, जलन, ब्लॉटिंग और गैस बनना शुरू हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है ये हमें समझ में नहीं आता, तो इसके लिए आज मैं आप सबके लिए एक ऐसे ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे पीने से आपको डाइजेशन में बहुत ही हेल्प होगा, और आप इसे कभी भी बना करके पी सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है पीने में। तो आज हम लोग गुड़ का शरबत बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत अलग तरीके से। ये डाइजेशन के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो आज की रेसिपी को प्लीज़ पूरा जरूर देखें, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक के बटन को क्लिक करें और कमेंट जरूर करें। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। इसकी रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेस्टिव सीजन है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें इस ड्रिंक की रेसिपी को। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए आज की इस टेस्टी हेल्दी गुड़ के शरबत की रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आप सबका स्वागत करती हूं मेरे किचन में, जिसका नाम है गुड़ रेसिपी। गुड़ का शरबत बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया हुआ एक डीप बाउल, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 जार के लगभग में पानी, जो कि 3 ग्लास के बराबर है। पानी डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे गुड़। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गुड़ लिया हुआ है, और गुड़ में मैंने पानी डाल करके रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसे हम पानी में डाल देंगे, इसे पानी में मिला देते हैं। आप गुड़ को अच्छे से मेल्ट करने के लिए आप इसे रात भर भिगो करके भी रख सकते हैं, या फिर आप इसके जगह पे गुड़ के पाउडर का भी यूज कर सकते हैं।
पानी में गुड़ को अच्छे से मिला देंगे और ढक करके हम इसे 10 से 15 मिनट तक रख देंगे ताकि गुड़ अच्छे से पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। गुड़ को पानी में भिगो करके रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, आइए अब इसे चेक कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर गुड़ जो है लगभग अच्छे से मेल्ट हो चुका है, थोड़े बहुत ही इसमें इसके टुकड़े रह गए हैं, तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गुड़ को और भी अच्छे से मेल्ट करने के लिए गर्म पानी में भी इसे भिगो करके रख सकते हैं, उससे जो गुड़ है बहुत जल्दी पिघल जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो ऐड कर देंगे हम इसमें फाइनली ग्रेट किया हुआ अदरक, यहाँ मैं एक छोटा चम्मच इसमें अदरक ऐड कर रही हूँ। साथ में इसमें ऐड कर देंगे काला नमक आधी छोटी चम्मच, भुना हुआ जीरा एक छोटा चम्मच, साथ में ऐड करेंगे यहाँ पे सौंफ का पाउडर एक छोटा चम्मच। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और पेट के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ में इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, एक छोटे चम्मच हरी वाली इलायची का पाउडर, साथ में नमक स्वाद के अनुसार, नींबू का रस डालेंगे हम दो बड़े चम्मच। नींबू का रस ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक चौथाई कप इस तरह से बारीक कटा हुआ पुदीने के पत्ते। नींबू के रस की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। अब हमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इन सारे इंग्रेडिएंट्स में से कोई एक इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो आप उसके बिना भी इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे भी ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने ऐड किए हुए हैं उसके सारे जूसेस पानी में रिलीज हो जाएं। इसे ढक करके रखे हुए 10 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया, कलर कितना अच्छा आया है। एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडिंग जार में डाल करके ग्राइंड कर लेना है, तो ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ मैंने इसे ग्राइंड करके ले लिया हुआ है और आप इसे एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसे अगर छान के सर्व करेंगे तो ये पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम इसे छान लेंगे। तो चलिए छान लेते हैं इसे। छानने से ये फायदा होता है कि जब हम इस शरबत को पीते हैं तो पीते टाइम जो ये मोटे मोटे पार्ट इसमें रह जाते हैं वो मुंह में नहीं आते हैं। अब हमें इसे निकाल करके हटा देना है। शरबत हमारे यहाँ पर रेडी है, सर्व करने से पहले इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आइए अब हम इसे सर्विंग ग्लास में निकाल लेते हैं। शरबत को सर्व करने के लिए यहाँ मैंने लिया हुआ एक सर्विंग ग्लास और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बर्फ के टुकड़े। आप इसमें बर्फ ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा पुदीना के पत्ते और अब हम इसमें शरबत को डाल देंगे। पुदीना के पत्ते डालने से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है और दिखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। आप इस शरबत को रूम टेम्परेचर पर भी पी सकते हैं, आप इसमें आइस क्यूब डालकर भी पी सकते हैं या फिर आप इसे ठंडे पानी में भी बना करके पी सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आप इस शरबत को जैसे मन हो वैसे आप पी सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और ये हमारा गुड़ का शरबत रेडी है। सर्व करने से पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे, तो गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। यहाँ पे ये पूरी तरह से हमारा ये शरबत सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे ठंडा या फिर रूम टेम्परेचर पे सर्व करें, शरबत बनके तैयार है। तो आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेस्टिव सीजन है तो इसे आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए इस टेस्टी हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी को एंजॉय करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सेफ।